अपने पार्टनर को ये बताती हैं कि उसने क्या गलती की है तो वो कभी भी समझता नहीं है। वो आपके माँ बाप को उतना प्यार करे जितना वो अपने माँ बाप को करता है तो वो इतना जल्दी नहीं होगा। अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ इस तरह की बातें जो मैं बताने वाली हूँ कभी आपने की ना, तो यकीन मानिए आप उसके साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। आपका पार्टनर हर वक्त आपसे लड़ेगा। कौन सी है जो चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए अपने पार्टनर से, आज करेंगे इस बारे में, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला, जब आप शादी करके जाते हैं ना एक नए परिवार में, शुरू शुरू में आपके अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन चलता है और आप वो कंपैरिजन खुलकर करते भी हैं, इनफैक्ट बोल भी देते हैं अपने पार्टनर से। आपकी फैमिली में कोई काम होते थे, आपकी फैमिली अलग तरह की फैमिली थी, आपके पार्टनर की फैमिली अलग तरह की ऑब्वियसली होगी। कोई भी चीज आप ऐसी देखते हैं ना जो आपको अच्छी नहीं लगती है उसकी फैमिली में, पार्टनर की फैमिली में, तो आप तुरंत बोलती है, यार मेरे घर में ये सब नहीं होता था, मेरे घर में तो ऐसे करते थे, मेरे घर में तो लोग इतना अच्छा खाना खाते थे, मेरे घर में दो सब्जियां बनती थी, मेरे घर में ना कोई औरतों से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, मेरा जो भाई है ना अपनी वाइफ को इतने प्यार से रखता है। आप क्या करते हैं, जाकर बार बार मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी फैमिली, इस तरह की बातें कर करके अपने पार्टनर को, अपने इन-लॉज को समझाते हैं कि आप कितनी अच्छी फैमिली से आती हैं, आपके जो फैमिली वाले हैं वो कितने अच्छे लोग हैं, या आपके घर में कोई काम कितने वेल तरीके से होता है, आपकी फैमिली कितनी परफेक्ट है, इस तरीके से आप मेरा मेरा करती है। ऑन द अदर हैंड वो लोग इस चीज को झेल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर आप उन दोनों को कंपेयर करके उन्हें नीचा दिखा रही हैं। जब आप इस तरीके से कोई भी चीज समझाती हैं तो सामने वाला इंसान गलत होते हुए भी समझता नहीं है, वो आपके ऊपर हावी होता है, फिर वो भी आपको यही बताता है कि तुम ज्यादा महान नहीं हो, तुमसे ज्यादा अच्छी तो मेरी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे तो मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई से ज्यादा अच्छा तो मेरा भाई है, तुम्हारी भाभी से बेटर तो मेरी भाभी है। ये कंपैरिजन सिर्फ वो इंसान और बड़े लेवल पे करता है और लाउडली करता है। तो शादी में कभी भी ये मेरा घर, मेरा मेरा ये शब्द इस्तेमाल ना करें। अपनी फैमिली से अपने पार्टनर की फैमिली को कभी भी कंपेयर मत करना। अगर आपने कभी भी इस तरीके से कंपेयर करके अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की तो वो समझेगा नहीं, आपके घर में कलेश हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पार्टनर आपसे चिढ़ने भी लगेगा। दूसरी चीज आप क्या करती हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं करता तो आप तुरंत बोलती हैं मैं भी क्यों करूं, मैं भी नहीं करूंगी, तुमने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। इस तरीके से आप उसे फोर्स करती हैं अपने लिए कुछ करने के लिए। ये चीजें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका हस्बैंड आपके भाई के बुलाने पर आपके घर पर नहीं गया, आपके भाई के घर पर नहीं गया, कुछ टाइम बाद आपके ससुराल में आपके जेठ के घर में कोई फंक्शन हुआ, आपको बुलाया जाता है, तो आप अपने हस्बैंड से सेम चीज कहती हैं, तुम गए थे मेरे भाई के यहाँ, तुम नहीं गए थे तो मैं क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाती, बुला लो जिसको बुलाना है, कर लो जो करना है, तुमने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। इस तरीके से जब आप अपने हस्बैंड को समझाती हैं, अपने पार्टनर को ये बताती हैं कि उसने क्या गलती की है तो वो कभी भी समझता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जब आप समझा रही हैं ना उसके घर में एक फंक्शन है और वहां पर आप अपने पार्टनर की इस तरीके से कमियां निकाल रही हैं। आपके पार्टनर का अटैचमेंट अपने भाई से है, वो वहां पर हंगामा करेगा, वो वहां पर आपसे चिढ़ने लग जाएगा, वो वहां पर ये समझेगा कि आप कितनी बुरी लड़की है, कितनी खराब लेडी है, कि उसकी फैमिली को अपना नहीं समझ रही। आप अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि अभी आपको आए हुए इस घर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो अपनी जगह बनाना पहले जरूरी है, सबसे ज्यादा अपनी जगह बनाना जरूरी है। अगर आपको इन चीजों से प्रॉब्लम है तो इस तरीके से बदला मत कीजिए अपने पार्टनर से कि तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी, इससे वो बिगड़ जाएगा। आप अलग तरीके समझा सकती हैं, आप इसी चीज को ऐसे कर सकती हैं कि आप चले जाएं अपने इन-लॉज के यहाँ पर फंक्शन में,
बाद में जब आपका पार्टनर बहुत अच्छे मूड में हो, आप एक थोड़ा सा रोमांटिक सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस टाइम पर आप शिकायत कर सकते हैं बहुत प्यार से, यार आप मेरे घर पे नहीं गए थे ना, मुझे पता है कितना हर्ट हुआ था, बहुत हर्ट हुआ, पता है मेरा कितना मन था अपने भाई के यहाँ पर जाने का, बार बार थोड़ी ना होते, शादी के बाद तो मैं गई भी नहीं हूँ, कितने प्यार से मेरे भाई ने बुलाया था, चलते 5 मिनट के लिए, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। आप इस तरीके समझाइए, आपको कंपेयर नहीं करना कि मैंने किया तुमने नहीं किया, आपको ये बताना है कि आपने जो काम मेरे लिए नहीं किया इस चीज से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, और आपको दुख दिखाना है, गुस्सा नहीं दिखाना। जब आप इस तरीके से अपनी इमोशंस प्रेजेंट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, तो आपका पार्टनर समवेयर उस चीज के लिए गिल्टी महसूस करता है, और फ्यूचर में आप देखेंगे कि वो इंसान फिर आपके इमोशंस को, आपकी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करेगा, अपने अंदर बदलाव लेकर आने की कोशिश करेगा। आप इस तरीके से उसे बदल सकती हैं, कंपेयर करके, बदला करके नहीं बदल सकती। तो बदला मत कीजिएगा जब आप शादी करके अपने पार्टनर के घर में जाएं, खास करके नए नए रिश्ते में। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है आपके पार्टनर के पेरेंट्स की बुराई, और ये चीजें आप दोनों को समझनी है, सिर्फ वाइफ की बात नहीं है, ये हस्बैंड को भी समझना है कि हम सबके लिए हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। जो आपकी वाइफ है ना, उसके पेरेंट्स उसके लिए उतने ही जरूरी हैं जितने आपके लिए आपके पेरेंट्स, और यही चीज वाइफ को भी समझनी है। अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो आपके माँ बाप को उतना प्यार करे जितना वो अपने माँ बाप को करता है, तो वो इतना जल्दी नहीं होगा, होगा थोड़ा सा वक्त के साथ में होगा। तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना रखें कि वो बिल्कुल ही आपके पेरेंट्स के पैरों में बिछ जाए, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए टाइम दीजिए। साथ ही साथ कभी भी अपने पार्टनर के पेरेंट्स की बुराई ना करें। होता क्या है, आप किसी नए परिवार में गई हैं, सास ने कुछ ऐसी चीज कर दी आपको पसंद नहीं आई, और आप चिड़के अपने हस्बैंड को बताती हैं, उल्टा बोलना शुरू कर देती, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ये किया, वो किया, वो किया, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है, तुम्हारी बहन ने ऐसा काम कर दिया। जब आप एक नए नए रिश्ते में अपनी जगह बनाए बिना अपने पार्टनर से उसकी फैमिली की बुराई करती हैं, चिढ़ती हैं, तो वो पार्टनर आपसे कभी कनेक्ट नहीं कर पाता, उसका दिमाग आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाती है कि ये तो मेरी फैमिली से जलती है, ये तो मेरी माँ से जलती है, ये तो सबसे चिढ़ती है, क्योंकि आपने आते ही उनमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। वो एक पहले बेटा है, पहले भाई है, उसके बाद वो हस्बैंड बना था, उन लोगों की वैल्यू आपसे कहीं ज्यादा है। तो इस तरीके से तो आप कभी भी उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। जरूरी है कि अगर कोई चीज आपको बुरी लगती भी है तो आप उस चीज को प्यार से समझाएं, ना कि चिढ़कर समझाएं। वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत पोलाइट होना चाहिए। जरूरी है कि बहुत प्यार से बोले कि यार मम्मी जी ने ऐसा किया ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों किया था, हो सकता है गलती से कर दिया हो, पर मुझे नहीं अच्छा लगा, प्लीज मम्मी से कह दो ना ये काम ना करें। आप ऐसे समझाओ, और ये भी समझाना थोड़े से वक्त के बाद, और हर एक चीज पर रोका टोकी ना करें, हर एक चीज के बारे में अपने हस्बैंड से शिकायत ना करें। चीजों को समझें, चीजों को अवॉइड करें, जो चीज ज्यादा बुरी लगी या ज्यादा हर्ट हो उसके बारे में आप प्यार से अपने पति को बताएं, ना कि उनकी बुराई करते हुए, ना कि उनकी कमी निकालते हुए। अगर आप अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की बुराई यूज करेंगे तो कभी अपने हस्बैंड का दिल नहीं जीत पाएंगे, और ये सेम चीज लागू होती है लड़कों पर भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपको प्यार करे तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को इज्जत देना सीखिए। फोर्थ एंड लास्ट चीज, खास करके अरेंज मैरिज के बारे में, होता क्या है जैसे आपकी शादी होती है ना, आप तुरंत ये पूछना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमाता है, कहाँ खर्च करता है, कहाँ कहाँ पर उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप सब कुछ जानना चाहते हैं, और ये चीजें आपके पार्टनर को खटकती है। क्यों? क्योंकि शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ। नई नई शादी में जहाँ आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए पार्टनर के साथ में
प्यार से रहने में, उसको जानने में, फैमिली में एडजस्ट करने में, प्यार दिखाने में, अपना रिश्ता एंजॉय करने में, वहां आप आते ही इंटरेस्ट दिखा रही हैं प्रॉपर्टी में, तो उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है कि यार इसको तो पैसे ही चाहिए, ये लालची औरत है, इसको मेरे पैसे में क्या इंटरेस्ट, मेरे में तो इंटरेस्ट दिखाती नहीं, पैसा पैसा करती है, तो उसका दिमाग बहुत उल्टा चलता है आपके बारे में। तो इन चीजों का ध्यान रखें, शादी के तुरंत बाद पैसा पैसा ना करें। उनके घर में कोई भी पैसों को लेकर डिस्कशन चल रही हो, प्रॉपर्टी को खरीदना है, बेचना है, इन्वेस्ट करना है, किसी को देना है, किसी से लेना है, जो भी, उसमें तब तक इंटरफेयर ना करें जब तक आपसे कुछ सजेशन ना मांगा जाए, तब तक आप कुछ ना बोलें, तब तक कुछ ना पूछें जब तक आपका पार्टनर खुद ना बताना चाहे। और ये खास करके बात हो रही है शुरुआत की, जब शुरू होती है आपकी मैरिड लाइफ, उस बारे के उस टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सो ये चार चीजें हैं, ये कॉमन वो चीजें हैं जो अक्सर शादी के बाद आप लोग करते हैं, और इसी वजह से आपका रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, आपका प्यार पार्टनर के साथ पनप नहीं पाता, उससे पहले ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, उससे पहले ही घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर ख्याल रखेंगे शुरुआत में, तो आपका रिश्ता ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ज्यादा गहरा हो पाएगा, उसमें प्यार पनप पाएगा, और इससे आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बाकी ये चीजें हम बाद में मैनेज कर सकते हैं, बट फिलहाल इनको अवॉइड कीजिए। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं डेली दो वीडियो अपलोड करती हूँ, एक दोपहर में 1 बजे, एक शाम को 8 बजे। साथ ही अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड में। ना मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।